ये मैथ का क्लास है और सेकंड पीरियड है, तो मैं मैथ में आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों का बहुपद। बहुपद में मैंने बहुत दो चार चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज का जो चैप्टर है वो 2.5 है, जिसमें हमने दो तीन सरल समीकरण पढ़ा दिए हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा दिए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पढ़ा दिए ना, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस ये इसका यूज हो गया है, फिर इसका भी यूज हो गया है, फिर इसका भी यूज हो गया है, यही ना था जी। ए स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स प्लस ए या एक्स प्लस ए प्लस ए बी, तो इसका ऐसे हो जाएगा एक्स ए प्लस बी इंटू, इन तीनों का यूज एक और है इसके बाद, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस, इन चारों का यूज हमने पढ़ा दिया है। आज जो पढ़ाना है उस लिख देते हैं हम उस सर्वसमिका को, उस सर्वसमिका का नाम है ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, आज इसका यूज हमको पढ़ाना है और आप लोग को इसका यूज पढ़ना है, तो इस पे हम एक सवाल बनाएंगे और बना करके आप लोगों को समझा रहे हैं, इस पर आप लोगों को फिर से बना के दिखाना है। आइए एक सवाल लगाते हैं, इस पे सवाल है कि एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, इसका हम क्या निकालेंगे, होल स्क्वायर। ए के जवाब पर क्या है, बी के जवाब पर क्या है, और सी के जगह पर क्या है, ये अपने पास से हम क्वेश्चन दिए हैं, बुक का नहीं है। अब इसको कैसे बनाएंगे समझेंगे कि ए के जगह पर एक्स है, बी के जगह पर टू वाई और सी के जगह पर थ्री जेड, हम इस सर्वसमिका का यूज करेंगे। ए स्क्वायर फॉर्मूला में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और वहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और सी स्क्वायर, उसके बाद टू, टू तो इसमें नहीं है, ये टू फॉर्मूला से आएगा, ये जो दोनों एक दो तीनों जगह जो दो देख रहे हो ये फॉर्मूला से आएगा। अगर हम यहाँ दो लिखते हैं तो पूछेंगे कि दो कहाँ से आया, तो फॉर्मूला से आया, दो के बाद हम फॉर्मूला में है ए इंटू बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पर टू वाई, और उसके बाद क्या है टू बी सी, तो टू हम लिख देते हैं, बी के जगह पर क्या है, और सी के जगह पर थ्री जेड, और फिर से है टू सी ए, तो टू सी के जगह पर थ्री जेड, ए के जगह पर एक्स। अब फॉर्मूला पर हमने इसको सेट कर दिया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया है, अब क्या करेंगे इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, एक्स का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर थ्री जेड का, ये कितना हो जाएगा, दो दुने और ये दो दुने चार तिहाई और ये एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ये तीनों प्लस में था लेकिन आपको दिक्कत कहाँ करता है, माइनस में, तो एक हम सोच रहे हैं कि माइनस वाला भी बता दें। आइए दूसरा एग्जांपल, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, इसमें एक जगह माइनस है, आप लोग कहेंगे तो दोनों जगह माइनस रख के बना देंगे, एक जगह पहले सिखाते हैं, पहले हम पहला का स्क्वायर करेंगे दूसरे का और तीसरे का, क्योंकि फॉर्मूला में पहले पहला का स्क्वायर है दूसरे का तीसरा का, तो पहला का स्क्वायर टू एक्स और दूसरा का माइनस को अंदर रखेंगे, ठीक, माइनस जहां जिसमें रहेगा उसको माइनस के साथ अंदर रखेंगे तभी सवाल हो पाएगा, माइनस नहीं रखिएगा तो सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे सेंट्रलाइज कीजिए, सी क्या है जेड, और टू कहाँ से आएगा, फॉर्मूला से, ए के जगह पर क्या रखेंगे टू एक्स और बी के जगह पर प्लस टू, फिर बी के जगह पर
और सी के जगह पर प्लस टू सी और ए के जगह पर टू एक्स, ये हो गया। और अब इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर, इसका माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या होगा प्लस 9। अभी पूछोगे कि सर माइनस कहाँ चला गया, तो जब स्क्वायर करेंगे दो बार, यहाँ हम समझा रहे हैं कि माइनस 3y का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3y गुणे माइनस दो बार लिखेंगे, पावर दो है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। आप समझ में आया कि माइनस कैसे खत्म हो गया, जेड का स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस, दो दूने चार तिहाई 12xy। अब ये पूछोगे आप लोग कि माइनस कहाँ से आ गया सर, तो इसमें माइनस है इसमें प्लस है, प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, दो तिया छः क्या जाएगा, अब प्लस इसमें माइनस नहीं है तो दो दूना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टाइप का और बता देते हैं जिसमें दोनों जगह माइनस हो, ठीक। तीसरा फल हम लिए हैं, इसमें दोनों जगह माइनस है, अब बार बार हम जैसे बताएंगे वैसे बनाओगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्लास में हो ना तुम, उस लड़की को पूछ रहे हैं क्लास में हो ना, तो यहाँ ध्यान दो, दोनों जगह क्या है माइनस है, तो आप लोगों को देखना है कि हम कहाँ पे कैसे रख रहे हैं, जहाँ जहाँ माइनस है जिस पद में उस पद को छोड़ना नहीं है, उस पद का जहाँ भी हम यूज करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ ही यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। इसमें दोनों जगह माइनस, इसमें जरूर माइनस लिखेंगे, इसमें ये स्क्वायर प्लस टू, जब भी हम इसका यूज करेंगे इसका तो माइनस चिन्ह के साथ ही यूज करेंगे, तो भी माइनस चिन्ह के साथ ही यूज करेंगे, प्लस टू बी और सी, प्लस टू सी और ये कितना है हो गया। अब पूछते हैं, अनुष्का खड़ी हो जाओ, इसको हल करके बताओ 3a का स्क्वायर कितना होगा, 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तीन ए का स्क्वायर स्क्वायर, हाँ घबराना नहीं है, 9a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, हाँ कितना होगा बोलो, 7b का स्क्वायर कितना होगा, तुम बताओ 7b का स्क्वायर कितना होगा, 9b स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा माइनस में, ये माइनस में बता रही है, सही है गलत है, गलत बता रही हो, जब स्क्वायर रहेगा माइनस पे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर कितना होगा, प्लस में कि माइनस में है कि, यहाँ पे हम क्या लिखें इसको हल करके बताओ हम क्या लिखें, कौन बोला है, आ जाओ बालाजी इधर आ जाओ, बाबू आ जाओ भैया, देखो ये 9th क्लास का सबसे होनहार लड़का है, आप लोग घर जाओगे तो वीडियो में देख लोगे, इसको हल करके बताओ बाबू कितना होगा, यहाँ पहले प्लस होगा कि माइनस, माइनस, बहुत बढ़िया है, और उसका हल करेंगे तो कितना होगा, 6a, हम कहाँ तक मार्किंग किए हैं, हाँ तो वहां तक हल करना है, बताओ कितना होगा, वाह
42, उसके बाद ए बी। बहुत बढ़िया, देखो ये बहुत तेज लड़का है, होनहार लड़का है, और बता दिया वो। कभी कभी जिसको हम लोग देखते हैं कि ये पढ़ नहीं पाता है, आवारागर्दी करता है, लेकिन वो तेज होता है अभी तरीके से, वही है अंदर से बहुत तेज है, होनहार है। इसके बाद वाला भी बताओ बाबू, कितना होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, वाह बिल्कुल सही बताया है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दो को माइनस तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद बोलो कितना, 14 बीसी। इसके बाद प्लस माइनस, हाँ सिक्स ए। वाह बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया। चलो बालाजी, क्या नाम है बालाजी? वाह थैंक यू। चलो अच्छा, लिया हम एक प्रश्न लिखेंगे, बैठ जाओ। हम इसका एक्सपेंशन कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, पद इसमें कितना था, 1, 2, 3, लेकिन हल किए तो कितना आ गया, 6। अब हमको उल्टा बताना है कि 6 पद रहेगा कैसे उसको 3 गो लिखेंगे। 2.5 निकाले हो, रुको इसको बोलो पहले का क्वेश्चन। अब हम बताएंगे इसका उल्टा, ठीक ना, अभी एक्सपेंशन बता रहे थे, अब इसका उल्टा बताएंगे। बोलो क्या है क्वेश्चन, खड़ा होके बोलो। हाँ, 4x² 9y² 16 प्लस की माइनस, हाँ ये हो गया प्रश्न। अच्छा हमारे हिसाब से है, बुक के हिसाब से 5 नंबर हमारे हिसाब से वही है। अब आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, अब उल्टा हम बता रहे हैं। देखिए इस पहले इस तरह था, इस तरह आता था ना आंसर, अब इस तरह है, आंसर कैसे लाना है? तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, इतना बारीकी से ध्यान देना है, नहीं तो आप कहीं कैसे भी उल्टा लिख देंगे। अब आइए समझते हैं कि कहाँ पे प्लस रहेगा कहाँ पे माइनस रहेगा। अब यहाँ हमको देखना है इस दो को पद पर, सबसे पहले हमको किस पे विचार करना है, ये जिसमें जिसमें माइनस है उस पे विचार करना है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ दोनों पे पहले हमको ध्यान देना है, दोनों जगह क्या है, निगेटिव साइन है, माइनस है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो देखेंगे कि दोनों पे क्या कॉमन चीज है, दोनों पे क्या है कि जो कॉमन है, नहीं एक्स वाई जेड में दोनों जगह क्या कॉमन है, यानी कि दोनों जगह जेड है तो दोनों जगह माइनस है, इसका मतलब कि जेड के चलते ही, जेड के कारण ही दोनों जगह माइनस हुआ है। इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, दोनों जगह जेड है इसी के चलते माइनस यहाँ चिन्ह आया हुआ है, बस इतना ही पर ध्यान देना माइनस पे, तो अभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो इसको हम ऐसे, किसका स्क्वायर होगा, 2, 4 अभी अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ जेड दोनों जगह है उसीलिए माइनस है, तो यहाँ भी जेड किस में रहेगा, नहीं तो बिल्कुल आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -4z, क्योंकि -4z का स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस, नहीं प्लस में नहीं आ जाएगा, इसका स्क्वायर फिर आ जाएगा। अब बस इस पर ध्यान नहीं देना है, माइनस का चिन्ह पकड़ने के लिए हमको इस पर ध्यान देना है कहाँ कहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह हम इसमें पकड़ लेंगे, समझ में आ जाएगा कहाँ माइनस रखना है, उसके बाद ये स्वतः आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, +2 2 ए भी होता है ना, 2 ए रहेगा और ये बी रहेगा, 2 ए भी हो गया प्लस, फिर से 2 बी और ये सी, आप प्लस 2 सी और ए, ए के जगह पर क्या भरेंगे। अब आप जब इसको गुणा करोगे तो 2 × 4 तिहाई आ जाएगा ना, अब प्लस माइनस माइनस, 3 × 6 = 4 आ गया। आइए देखो, 4 × 8 = 16 आ गया कि नहीं, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो गया, ये किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमको यही लिखना है, ए प्लस
माइनस फोर जेड का, इसको अगर पावर दो है तो कितना बार लिख देंगे, पावर दो है तो हम दो बार इसको लिख देंगे, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, आ जाओ, बड़ा ध्यान से तुम पढ़ रही थी। क्वेश्चन देख रहे हो, प्रश्न देख रहे हो ना, ये प्रश्न जो हम दिए हैं ये फर्स्ट में माइनस है और लास्ट में माइनस है। इसको बनाएंगी आपके क्लास का एक तेज छात्र, छात्र हैं, छात्रा हैं, क्या नाम है, संध्या कुमारी। चलो इसको हल करो, हो जाएगा ना, वाह। और बड़ा बड़ा लिखो, इसमें यही ट्रिक है कि जहां माइनस है उसको माइनस के साथ ही यूज करना है तो ही बन पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जहां माइनस का चिन्ह है वहां ब्रैकेट क्या यूज किया करो, केवल थ्री नहीं है, आप लोग जाते हो तो घबरा जाते हो, बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे कॉपी पे आप लोग बनाते हो ना वैसे सवाल लगाओगे लग जाएगा, एक डर बन जाता है कि बोर्ड पे आ गए हैं तो क्या कहेंगे क्या नहीं। आप लोग किसी से कम नहीं हो, आप लोग भी पढ़ने वाले हो, बहुत मेहनती लड़के लड़कियां हो आप लोग। अब ये प्रिया, क्या नाम है, प्रीति बताएगी कि यहाँ प्लस रहेगा या गुणा के चिन्ह रहेगा। टू बी सी यहाँ पे ये तीन बोली थी तो तीन लिख दो, फिर ऐसे करके इसे तीन लगा दोगी तो समझ में आएगा, फिर ऐसे करके इसमें माइनस दो, ठीक है। चलो बराबर दे करके आगे लिखो, देखो बिल्कुल सही बना रही है, अब तुम बताओ वाई पे स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा। और बड़ा बड़ा लिखो, घबराओ नहीं, तुम बना रही हो बिल्कुल सही बना रही हो, एक बार देख लो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। स्क्वायर नहीं ना रहेगा, ये गलत लिखा हुआ है। और कौन कौन सवाल लगाएंगे, हाथ उठाइए, थोड़ा सा कठिन कठिन है लेकिन लगाना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए सही बनाइए कि गलत, ये जो हल हुआ है सही है कि गलत है। बिल्कुल सही बनाई है, कहीं गलती नहीं है। पहली बार आज प्रीति कुमारी, संध्या कुमारी नाम है ना, पहली बार संध्या कुमारी बोर्ड पर बनाई है और बिल्कुल सही बनाई है। चलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप इन लोगों के बीच की एक होनहार छात्रा अंशु कुमारी हिम्मत करके बनाने आई है, अब देखते हैं कि बना पाती है कि नहीं। पहले सर्वसमिका लिख रही है उसका यूज करेगी, बराबर का चिन्ह लगाओ आगे, जहां माइनस है वहां माइनस यूज करना है। अब बिल्कुल डरना नहीं है, बहादुर लड़की हो बना सकती हो, लड़के भी इस क्लास के लड़के भी कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक तेज है। बिल्कुल सही है,
स्क्वायर कहां से आ जाएगा? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? एक बटा चार का स्क्वायर क्या होता है? एक बटा चार। हाँ, एक बटा चार। प्रश्न में सी कहाँ है? एक का स्क्वायर कितना होता है? केवल एक होता है। एक का स्क्वायर केवल एक होता है, ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। दो से दो कट जाएगा। बिल्कुल सही है। वन में ए से गुणा करोगी, ए होगा। हाँ, केवल ए। बहुत अच्छा। इसमें दो से चार कट जाएगा। सी नहीं है, ये सी का मान है। तो सी नहीं ना लिखाएगा। एक में ए से गुणा करोगी, ए होगा। यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे बी रहेगा। एक बटा दो के साथ बी है ना, तो बी रहेगा। यहाँ पर भी बी हो जाएगा, बी ही होगा। लिखो, चलिए अब जाके सही हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, लेकिन फिर भी इस लड़की ने बना दिया, बिल्कुल सही बनाया। अब कौन लड़का बनाएगा? लड़का में कोई कौन है? कौन एमडी है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक दूसरा प्रश्न मिला है, ये लड़का बना रहा है, गोलू नाम है। अब देख पाते हैं कि बना पाता है कि नहीं। अब हमको लग रहा है कि सही बना देगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको नींद भी लग रही है, हम कुछ को देख रहे हैं कि वो लोग भूख लग गई है किसी को। अब कुछ लोग सपना में डूब गया है। जैसे हम बताए थे कि कहाँ क्या रहेगा तो क्या यूज करना है, देखो बनाया सही है, आंसर ला दिया है, लेकिन हम जिस प्रोसेस से बताए थे कि इसमें माइनस भले है, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, माइनस कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा ना। प्लस हम देंगे फॉर्मूला के अनुसार, क्योंकि फॉर्मूला में हमेशा प्लस ही रहता है ना। प्लस टू ए बी प्लस टू सी ए प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए रहता है, लेकिन हम जब माइनस लगा देते हैं तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है। इसमें माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा। बिल्कुल सही है, इसको दो बार लिख देंगे हो जाएगा। ठीक, उच्च विद्यालय
इंटर कॉलेज गणेश स्थान माजा प्रखंड फुलवरिया में है। हमारे विद्यालय के टीचर बहुत बढ़िया है, वो पढ़ाते भी बहुत बढ़िया। हमारे स्कूल में सभी तरह के सामान उपस्थित है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। यहाँ पे लड़के लड़की भी काफी ज्यादा आते हैं और उसमें सर कुछ सर हैं सहायक भी होते हैं। जैसे आज हमारे स्कूल में अमित सर जी हैं, वो आज हमारे ड्रेस सिलवाने का जो पैसा था वो थोड़ा कम हो रहा था, सर कारण पूछे, हम बताए कारण और उन्होंने कुछ पैसे का मदद किया हमको, इसलिए सर को थैंक यू कहना चाहते हैं। हो गया।